उससे हर रात बच्चों को पता लगेगा कि मतलब अपने समाज के बारे में हर चीज। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम्स ट्रोलर में स्वागत है। आज 30 जुलाई है और आज हमारा हिमाचल प्रदेश टू कन्याकुमारी डे टू है और अभी जो है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब जो है मैं नहा धो के 6 या 6:15 बजे तक यहाँ से निकलूँ। अभी मैं नहा के एकदम रेडी हूँ और ये रहा वो होटल जहाँ पे रात को मुझे स्टे करने के लिए मिल गया था और खाना वगैरह भी मिल गया था। फाइनली अभी मैं घाघस क्रॉस कर रहा हूँ। कल ये पहाड़ सा लग रहा था लेकिन आज हमने क्रॉस कर दिया। अभी सुबह के 6:55 हो रहे हैं, मतलब 7 बजने वाले हैं। और यार एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे पहले दिन पे सपोर्ट दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है, सच में शुरू में ना जब शुरू किया था तब थोड़ा सा शक था कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, सही लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट दिखाया, अपना प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए। मैं जैसे कि कल मेरा पहला दिन था तो कल ये था कि एक्साइटमेंट भी थी और नर्वस काफ़ी ज़्यादा था मैं। इसी चक्कर में जो है काफ़ी जगह मैं वीडियो शूट करना भूल गया था, फिर खाने वगैरह का मैंने ढंग से ध्यान नहीं रखा। खाना तो मैंने खाया, मतलब मैंने 3-4 बार खाना खाया कल पूरे दिन में, लेकिन कल पूरे दिन में मैं फ्रूट्स खाना भूल गया। मतलब रास्ते में इतनी जगह मैं दुकानें क्रॉस की लेकिन ध्यान ही नहीं आया कि ऐसा कुछ करना है। लेकिन ये है कि आज मैंने कल के उससे सीख ले ली है, लर्निंग ले ली है। तो अभी जो है मैंने ये 2 बनानास खरीद लिए हैं, अब मैं इनको यहाँ पर बढ़िया आराम से खा के 10-15 मिनट रेस्ट करके देन पानी पी के फिर से चल दूँगा। कल रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे डर है कोई बारिश का, क्योंकि छाता होगा मेरे पास तो मैं चला रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कल रात को, कल दिन में आपने देखा होगा कि पिछले दिन मेरा छाता टूट गया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं घाघस में ले लूँगा, लेकिन घाघस मैंने कल रात को किया नहीं क्रॉस, सुबह मार्केट क्लोज थी। फिर अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब बस भगवान से प्रार्थना है कि बिलासपुर पहुँचने तक बारिश वगैरह ना हो, मैं एक बार वहाँ से छाता खरीद लूँ, फिर उसके बाद नहीं है कोई टेंशन। जब से घाघर से निकला हूँ तो चढ़ाई लगी हुई है लगातार, क्योंकि घाघर से बिलासपुर 11 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है कि 5 या 6 किलोमीटर जो है लगातार चढ़ाई है। एक बार ये चढ़ाई ख़त्म हो जाए देन उसके बाद डाउन है। डाउन में ऐसा है कि प्रेशर नहीं पड़ता ना, आराम से चला जा सकता है। बाकी इस तरह का कुछ सुबह सुबह व्यू है। हाँ जी, तो अब जाके मुझे एक होटल मिला है जहाँ अंडे अवेलेबल हैं, तो मैंने 3 अंडों की भुजी और 1 चपाती मंगवाई है। ये है होटल। बाकी अब जैसे मेरा खाना मतलब ब्रेकफास्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर जो है बारिश लगी थी और एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने छाता नहीं है अभी मेरे पास ना, और बिलासपुर अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो देखते हैं अभी आगे कैसे क्या होता है। अगर बारिश थोड़ी थमती है, रुकती है, तो मैं चलूँगा फिर से। बाकी ये रही भुजी और चाय, तो मैं ये खा के कंप्लीट करके यहाँ से चलता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं बिलासपुर में एंटर हो चुका हूँ। अभी जो प्रॉपर बिलासपुर है, मतलब जैसे बस स्टैंड, वो तो अभी 1 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से, लेकिन मुझे मेडिकल शॉप मिल गई थी तो वहाँ पे मैंने पूरा सामान ले लिया अपना, जैसे कि अपना लेग स्प्रे हो गया पेन के लिए, और एक मैंने मल्टीविटामिन का कैप्सूल ले लिया, साथ में मैंने एक पैरासीटामोल की टैबलेट्स ले ली। हाँ जी, तो अभी मैं प्रॉपर बिलासपुर पहुंच चुका हूं। ये रहा बिलासपुर चौक और यहां नीचे की तरफ बस अड्डा है, और अभी जो है मैं यहां से बिलासपुर क्रॉस कर रहा हूं और छाता मुझे मिल गया है। और पीछे वाला जो छाता मैंने सुंदरनगर में लिया था वो भी 450 रुपये का पड़ा था, लेकिन फिर भी वो टूट गया। लेकिन अब यहां पे जो है छाता तो मुझे 650 रुपये का और भी महंगा पड़ा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये प्रॉपर क्वालिटी का है और ये साथ देगा आपका, इसीलिए मैंने महंगा लिया ताकि, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी इससे पहले तक ना मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सुबह, क्योंकि कल जो है इतना ज़्यादा चला था पहली बार, लेकिन अब जो है अब स्मूथ है और मौसम भी अपने हक में है। बाकी अब यार थोड़ी थोड़ी धूप तेज़ हो रही है, लेकिन ये कि मैं तो
काफ़ी देर चलने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी देर में छाता खोल लूँगा अगर मुझे ज़्यादा लगेगी, ठीक है। बाकी अब आपसे जो है मैं आगे मिलूँगा कहीं पे होटल वगैरह पे। बाकी इस तरह का कुछ व्यू है मेरे साथ। अभी जो है मैं बिलासपुर मैंने जस्ट क्रॉस ही किया है और अभी मैं यहाँ पे नींबू पानी पीने के लिए खड़ा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि 5 मिनट रेस्ट भी कर लेंगे, देन इसके बाद ऐसा है कि फुल चार्ज्ड अप होके निकल पड़ेंगे यहाँ से। ये रहा अपने बाबा नाहा सिंह जी का मंदिर। बाकी ये यार कि इस रास्ते पे जो है थोड़ा व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं ना, और मैक्सिमम इस रास्ते पे जो है ट्रक ही होते हैं, तो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अभी मैंने जूस पी लिया है नींबू, और अब यहाँ से निकल पड़ा हूँ मैं। अभी मैं फुल्ली रिलैक्स्ड हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली किसी तरह की प्रॉब्लम कोई नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। रास्ते में कई बाइकर्स कई मिल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एक बंदा बस में भी, तो मतलब मैं नॉर्मली चला हुआ था घाघर से ऊपर, और बंदा बस से निकल के ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर में जैसे मैं आगे होटल पे रुका तो उसका मैसेज आ गया कि भाई मैंने अभी बस से आपको हाय की थी। मैं सोचूं, मैं कहा यार इसने पहचाना कैसे, लेकिन उसने शायद मेरी वीडियो देखी होगी। तो भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट करते रहना यार। अभी मैं बिलासपुर से 1-2 या 3 किलोमीटर आगे आया हूँ ना, और अब देखो बारिश लग गई है। शुक्र है कि छाता ले लिया उसके बाद बारिश लगी, अब नहीं है मुझे कोई टेंशन। और छाता भी ऐसा है कि मैंने बड़े साइज वाला लिया है, तो ये कि बैग भी पूरा कवर्ड अप रहेगा और मैं भी पूरा कवर्ड अप रहूँगा। और मैंने सोचा ये कि अगर मतलब ज़्यादा ज़ोर से लगती है बारिश, जूते वगैरह गीले होने का डर रहा, तो मैं जूते खोल के मतलब चप्पलें वगैरह डाल लूँगा, क्योंकि जूते गीले हो गए तो इनको फिर सुखाने में प्रॉब्लम होगी, और गीले जूतों से चलूँगा तो फिर पैरों को प्रॉब्लम होगी। बाकी अब जो है चलते हैं, बाकी मैं थोड़ा आगे मिलता हूँ आपसे। जो मैंने स्प्रे लिया था ना पीछे बिलासपुर में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार, अभी किया है मैंने दोनों लेग्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि अब बिल्कुल भी सब ठीक हो गया है। और छाता वगैरह मैंने ले लिया है क्योंकि बारिश ठीक लग पड़ी है, लेकिन अच्छा है यार क्योंकि बारिश की प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो या बादल हो वो नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती है धूप से ज़्यादा। बारिश ठीक है क्योंकि बारिश में अपना छाता लेकर के अपना चुपचाप चले रहो। बाकी ये है कि छाते की सबसे ज़्यादा ठीक है छाता, क्योंकि छाता बड़ा है ना, तो इससे ये है कि बैग भी मेरा पीछे से पूरा कवर अप हो जा रहा है, और ऐसा है कि मैं कैमरा से व्लॉग भी कर पा रहा हूँ। बाकी ये देखो ऐसे बारिश लगी हुई है। हाँ जी, तो अभी मैं बिलासपुर से 6.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और टोटल अभी तक के जो है मेरे 18.5 किलोमीटर आज के कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे ये मंदिर था, तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, और रोड के काफ़ी ज़्यादा अंदर आके है, तो ये है कि यहाँ पे शोर भी नहीं है, मैं आपसे अच्छे से बात भी कर सकता हूँ। और यार आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि देखो सभी ना मुझे जो भी मतलब, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि कल से जैसे मैंने अपनी ट्रिप शुरू की है कि मैं अपना मोटो क्या रखूँ, कि मैं लोगों को संदेश क्या दूँ, तो यार मेरा मेन मोटो इस पूरे ट्रिप का ये रहेगा कि कीप मदर अर्थ क्लीन। क्योंकि यार जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, दुख होता है बुरा लगता है कि रोड्स के साइड में इतना कूड़ा है ना, चलो कोई गांव है या कोई मतलब शहर है या कोई घर है साथ में, वहाँ तो मैं समझता हूँ चलो होगा, लेकिन जैसे सुनसान एरिया है तो उसमें भी आपको कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ आपको कोई रैपर या कोई बॉटल नहीं मिलेगी। पता है एक्चुअली होता क्या है कि हर एक बंदा ये सोचता है कि यार मैं अकेला फेंक रहा हूँ, मेरे अकेले फेंकने से क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते करते ही ये बढ़ रहा है। तो यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि नेचर जो है ना एक तरह से गिफ्ट है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर चीज़ है अगर आप ढंग से कभी ध्यान से मतलब कि जो एग्जामिन करो ना, मतलब ध्यान से महसूस करो, तो हर खूबसूरती हर चीज़ आपको मिलेगी इसमें। और
हमें जो है गिफ्ट का, कोई भी अगर हमें गिफ्ट देता है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इस तरह से अनादर करना चाहिए। तो ये है कि सभी अपने अपने मतलब सफाई रखे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कल परसों निकलो या आज निकलो और पूरा मतलब साफ़ करने में जुट जाओ, लेकिन ये है कि अगर अब हम अभी से मतलब अगर मैं अकेला बंदा ठीक हो जाऊंगा, अकेले अकेले करते सभी ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी ये यार कि जो है ये व्यू है यहाँ का कुछ ऐसा, और ऐसा है कि बारिश थोड़ी देर हुई, देन उसके बाद धूप आ गई, तो छाता मैं लेकर के चला हुआ था। बाकी एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग ना मुझे जैसे सुजेस्ट कर रहे हैं कि तू मतलब थोड़ी बहुत तू किसी ना किसी से मतलब लिफ्ट ले लिया कर, मतलब चाहे बस में जैसे कोई सुनसान एरिया तो लिफ्ट ले ली, या मतलब लिफ्ट देने वाले भी काफ़ी ज़्यादा रुक रहे हैं कि यार हम लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन यार देखो मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी खासी मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, जो मेरा मोटो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैले और मुझे अच्छी खासी सपोर्ट मिले, ठीक है। तो जो मेहनत है ना वो सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा मतलब कि ये हिमाचल प्रदेश टू कन्याकुमारी का ट्रिप है, तो इसमें मुझे सक्सेस मिले, तो इसमें जो है आपकी और भगवान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों का सपोर्ट रहेगा तो ये ट्रिप आसानी से कंप्लीट होगी। और एक बात है कि चलो मान लो आपसे तो मैं झूठ बोल भी लूँगा, या आपको क्या पता लग रहा है कि मैं बीच में कहीं लिफ्ट ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन यार ऊपर से भगवान तो देख रहा है ना, तो ये है कि गलत नहीं करना है, ऑल बाय वॉक है तो ऑल बाय वॉक रहना है। ये है कि शुरू के दिन ना जैसे HP में कभी रोड कभी चढ़ाई है कभी उतराई है, तो HP में शुरू में रहेगा कि जैसे मतलब दिन का 26 या 30 या 35 तक कंप्लीट होगा। एक बार हम HP से आगे निकल गए और जैसे 6-7 दिन हो गए और हमें आदत जैसी पड़ गई, तो ऐसा है कि जो हम टाइम यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत वेस्ट हो रहा है वो हम आगे कवर अप कर लेंगे, और इसमें वेस्ट होने की भी कोई बात नहीं है, जितना चला जाएगा उतना चलेंगे, शाम को स्टे कर लेंगे। बाकी ये है कि जो भी लोग मतलब मुझे ये बोल रहे थे ना कि मतलब कि आप राइड ले लो, ये वो ये नहीं कि मैं उनको बुरा बोल रहा हूँ या उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, यार वो लोग तो मेरे भले के लिए सोच रहे हैं, वो तो मुझे ये चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े, वो मेरे भलाई के लिए सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि जो मोटो है यार वही रखना चाहिए, बाकी अगर मैं सच्चा रहूँगा पूरी मेहनत करूँगा तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी अब जो है थोड़ी देर में आगे मिलता हूँ मैं आपसे। अभी जो है मैं कैंची मोड़ नौनी से थोड़ा ही पीछे हूँ, 1.5 किलोमीटर पीछे होऊंगा। मेरा ना एक्चुअली पानी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा ये पीछे होटल है तो कि भाई इस पर रिफिल करवा लूँ, तो यहाँ बाहर 2 पर्सन बैठे होते जो जिनका होटल है, तो उनसे मैंने कहा कि बोतल रिफिल कर दो, बोला नहीं इसको फेंक दो आप डस्टबिन में। मैं कहा नहीं, मैं कहा मैंने पैसे नहीं देने, मैं कहा रिफिल कर दो इसको, बोला नहीं हम दे रहे हैं। फिर उन्होंने बाद में एक प्लेट पकौड़े और चाय वगैरह भी दी, बाद में खाने के लिए भी पूछ रहे थे। तो ये है कि सब अच्छा चला हुआ है, और ये है कि सबसे मेन बात कि यार भगवान ने ना मौसम बहुत अच्छा कर दिया है, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल बारिश हो रही है, जिससे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे, और ठंडा मौसम है एकदम बना हुआ। तो अभी मैं बिलासपुर से नौनी पहुंच गया हूं, आगे ये रहा स्टेशन, यहां से ऊपर की तरफ गया शिमला का रोड और ये गया नीचे चंडीगढ़ वाला रोड, और पीछे यार होटल वालों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मैं एक बात बताना भूल गया था, मैंने नमक मांगा उनसे कि भाई नमक दे देना मेरे को थोड़ा सा कुड़िया में डाल के, इन उन्होंने पूरी की पूरी जो नमकदानी होती है वही दे दी। तो ये है कि काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं। बाकी ये है कि अभी जो है 3 बज रहे हैं, लेकिन कल तो मेरी 3 बजे हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सब कुछ ठीक है, आज मैं ज़्यादा चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं ऐसा करूँगा कि आज 6:30-7 बजे तक जहाँ तक मुझसे चला जाएगा मैं चलूँगा। अभी मैं जैसे आपने देखा पीछे होटल से अभी निकला था, तो अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था, और अभी यहाँ आगे जैसे पहुँचा था तब तक भाई ने पीछे से आवाज़ डाल दी कि ड्रिंक वगैरह कुछ खाना पीना तो नहीं है,
तो इन्होंने बुला के ये दो कोल्ड ड्रिंक्स भी दे दी, मैं एक ही मांग रहा था, दो बिस्किट्स भी दे दिए, बाकी पैसे भी दिए। मैं काफ़ी ज़्यादा मना कर रहा था भाई को, इन भाई ने दे दिया, भाई का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे भाई है तो इसकी कोई भी है, किसी को भी अगर रास्ते में मिलते हैं तो सबसे पहले तो हेल्प करो, हाल चाल पूछो, इससे ऐसा है कि इनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात, जो ये कर रहे हैं आज के टाइम में, या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, या कम से कम गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो माँ बाप को करना चाहिए कि अपने बच्चों को जैसे प्लस टू हो जाए उसके बाद कम से कम खर्चे में कम से कम पूरे हिंदुस्तान का घूमने को भेजना चाहिए, कम से कम टूर होना चाहिए। उससे हर रात बच्चे को पता लगेगा कि मतलब अपने समाज के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी। हम लोग तो ये नहीं कर पाए, पर हमें अब ऐसे देखने को मिलता है भाई साहब जा रहे हैं कुछ किया, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहोगे? भाई की शुभकामनाएं, भाई के लिए सपोर्ट करना, भाई को सपोर्ट करना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। अभी जो है शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी तक मैंने तकरीबन 22 या 23 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। आज जो है कम किलोमीटर इसलिए हुए हैं क्योंकि आज जो है ज़्यादातर रास्ते में चढ़ाई थी, तो ये है कि चढ़ाई में थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। बाकी ये है कि आज जो है रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रुकवाया था, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि कल जो है मैंने 5 बजे मैं रुक गया था, मैंने स्टे कर लिया था, रेस्ट कर ली थी, लेकिन आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज कोई थकावट नहीं है। तो ऐसा है कि मैं शाम को 6:30-7 बजे तक चलूँगा, जब ऐसा है कि अंधेरा लग गया होना तो मैं स्टे का प्रबंध करना शुरू कर दूँगा। बाकी देखते हैं आज कहाँ मिलता है स्टे। अभी जो है मैं रास्ते में चला हुआ था तो ये ब्रिज क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे मुझे अब कुछ भाई लोग मिले जो आप लोग सभी लोग लखनऊ से हैं, और इन्होंने जो है मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट और साथ में एक जूस की बोतल दी। आप सभी का धन्यवाद एक बार। कलर पहुंचाऊं और यहाँ पे जो है तो रात को मैं स्टे के लिए ढूंढ रहा था, तो लेकिन पहले मैंने एक पर्सन जा रहे थे उनको पूछा, लेकिन उनकी उन्होंने मना की। तो उसके बाद जो है एक भाई और थे वहाँ पे क्रॉस कर रहे थे रोड पे, उनका ढाबा है यहाँ पे, ढाबे का नाम है बाडेश्वर महादेव, और उन्होंने जो है रहने के लिए भी हेल्प कर दी मेरी और खाने के लिए भी हेल्प कर दी। और आज जो है हम ऐसे इस तरीके से रहेंगे, कुछ यहाँ पे बेड्स हैं, इनमें से किसी एक में सोऊंगा मैं, बाकी ऐसे ओपन व्यू रहेगा, एक तरह का पूरा नया एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी ऐसा है कि मैं जब खाना वगैरह आता है तो मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। हाँ जी, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये खाना मेरा आ चुका है और अब जो है मैं खाना वगैरह खा के सो जाऊँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, अगर आप डेली अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप उस पर ज़रूर मुझे फॉलो करें। बाकी ये कि अब मैं आपसे अगली नई वीडियो में मिलता हूँ।